सबको जय मसीह की। प्रभु को लाकर धन्यवाद है कि आज अनुभव है कि ने मौका फिर दिया मुझे आज इस महीने के दूसरे संडे को तीसरे संडे को मौका दिया अनुपम भाई ने। और मेरा विश्वास है कि बहुत से लोग आज चर्च गए होंगे क्योंकि खुदावन का पैदाइश का आगमन शुरू होने जा रहा है, अनाउंस चर्च में हो रहा है कि कैसे कैंडी लाइट का होगा, कैसे क्या होगा। और अब बहुत से लोग और बिजी, हम लोग भी सब बिजी हो जाएंगे दिसंबर से। और प्रभु का धन्यवाद है कि अनुपम भाई ने मौका दिखाया और हमारी ओर से इलाहाबाद जीसस लव मिनिस्ट्री की ओर से मैं सबका अभिनंदन करता हूँ जितने जुड़े हैं अनुभव भाई के साथ, इनकी मिनिस्ट्री से जुड़े हैं। और विशेष रूप से मैं अनुभव भाई की पत्नी को, उनके परिवार को मैं ब्लेस करता हूँ, शतासी के नाम से आशीषित करता हूँ। और जितने लोग जुड़े हैं हर एक लोग प्रभु के नाम से आशीष पाएंगे। अब मैं जब दुआ करूंगा तो मेरे साथ विश्वास से दुआ करिएगा ताकि आप सब लोग आशीषित हो। मेरे आशीषो, मैंने आपसे पिछली बार कहा था जो पहले संडे को मैंने प्रचार किया तो मैं कहता सेकंड बार मैं आज के वचन को प्रचार करूंगा कि चुनाव और अधिकार और वरदान खुदावन ने अपने नबी भविष्यवक्ताओं को दिया है। हम भी कोशिश करेंगे तो यकीनन हम खुदावन की संगति में चलेंगे। आज सेकंड पार्ट के बारे में हम चलेंगे और कुछ जानकारियां लेंगे और कुछ हम वर्सेस को पढ़ेंगे, नबियों के बारे में जानेंगे। हम दो तीन नबियों के बारे में, ज्यादातर मसीह लोग दो तीन नबियों के बारे में जानते हैं कि प्रभु ने उनको वरदान दिया। नहीं मेरे अजीजों, बहुत से ऐसे नबी है, बहुत से ऐसे वर्सेस है कि आप बाइबल से पढ़ते लेकिन समझ नहीं पाते। यकीन मानिएगा कि आप जब मैं बताऊंगा तो वर्सेस को नोट करिएगा, बाइबल से पढ़िएगा और यकीन मानिएगा क्या कि जो मैं बताऊंगा बाइबल वही लिखा है कि समझने के लिए प्रभु से पहले बुद्धि मांगिएगा सुलेमान के समान, तब आप लोग आशीषित होंगे। बुद्धि सब कुछ दिए खुदावन ने, देखिए वो बुद्धि आज लोग संसार की चकाचौंध में खर्च कर रहे हैं, बाइबल नहीं पढ़ते हैं, नौकरी में जाते हैं वो सोचते हैं कि कैसे मैं बॉस को खुश करूं, अपने अधिकारी को खुश करूं, कैसे कुछ पैसे कमा सकूं। पर गलत है मेरे बड़ी चीजों, गलत है ये आपका सोच। आपको जो धन परमेश्वर देगा वो उसकी ओर से ब्लेसिंग होगी, हमेशा की ब्लेसिंग होगी। गलत काम मत करिए, गलत काम बिल्कुल मत करिए। मांगना है यीशु से मांगिए, मनुष्य से मत मांगिएगा। मनुष्य आपको गुलाम बना लेगा और आपके साथ बुरा व्यवहार करेगा। आगे अब जरूरत पड़ेगी तो हो सकता है आपको गवाही में खड़ा कर दे कोर्ट कचहरी में। मेरे जीजो, ये मौसम बहुत खराब चल रहा है, इस समय शैतान अपना कार्य कर रहा है और लोगों को भरमा के गलत काम गुनाह करवा रहा है। सब कुछ जानते हैं, मैं बोलना नहीं चाहता हूं, सब कुछ जानते हैं कि जैसे का क्या हाल है इस समय। मेरे जीजो, सिर्फ दिन आपके हाथ में है, चुनाव आपका है। आप प्रभु को चुनेंगे, प्रभु ने आपको चुन लिया है। अब आप प्रभु को चुनिए, ईमानदारी से चुनिए। आइए आज की सभा शुरू करते हैं और हम सबका एक बार फिर से स्वागत करते हैं इलाहाबाद जीसस मिनिस्ट्री की ओर से। मैं रजनीश कटिंग सबका स्वागत करता हूं। आज के वचन को, आज के गीतों को, आज के भजन संहिता के अध्ययन को हम लेके चलेंगे और आखिर में प्रचार करेंगे, वचन के साथ सीखेंगे और हम पे सबको ब्लेसिंग के साथ दुआएं देंगे ताकि सबका आने वाला महीना ब्लेसिंग से भरे, हर परिवार में क्रिसमस की तैयारी दुख से भाग से भरे। ऐसी नवीन पथ हुई है, विश्वास करिए प्रभु आपके साथ है, आपको आशीष देगा। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आराधना शुरू करते हैं आज की। हम पवित्र यीशु पिता, एक बार फिर से मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, शुक्र अदगी करता हूँ स्वामी की आपने एक बार फिर से मौका दिखाया दिया है। ये समय पिता की आराधना स्तुति करने का। मैं विश्वास करता हूँ यीशु पिता कि मेरे साथ जितने भी जुड़े हैं भाई अनुपम डेविड की मिनिस्ट्री के साथ, आगरा के आसपास के जितने शहर है, जितने परिवार है, जितने लोग हैं, शराशरी हर एक को ब्लेस करिए जो आज हमारे संगति कर रहा है। यीशु पिता हर एक को ब्लेस करिएगा यीशु पिता। और विशेष रूप से भाई अनुपम अपने भाई को, उनके वाइफ को, उनके परिवार की बेटे बेटियों को, सबको ब्लेस करिए। उनके द्वारा उनके पास पड़ोसियों को ब्लेस करिए। जिस चर्च में भाई अनुपम डेविड सेवा करते उस चर्च में उनके द्वारा आशीष दे, आशीष दे। और जिस जगह नौकरी करते हैं उस जगह उनको ब्लेस कर और आदर दिला, शुराशनी दुखने वहां से आदर दिला। ऐ खुदावन, हम जितने भी खुदावन का दास हैं, जितने भी खुदावन दास इस समय प्रार्थना कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं लोगों के बीच में जाने प्रचार के लिए, हर एक दास के लिए दुआ मांगते, हर एक को ब्लेस करिए, हर एक चर्च को ब्लेस दीजिए, हर एक रेवरेंस के परिवार को ब्लेस करिए। जीसस, मैं आपसे विनती करता हूं स्वामी, आज के वचन के लिए मुझे तैयारी दीजिए, गीत गाने की सामर्थ्य दीजिए, वचन के अध्ययन के लिए आंखों में ज्योति दीजिए, सामर्थ्य दीजिए, प्रचार करने का बल दीजिए। मैं जीरो शून्य हूं,
केवल आप है, केवल आप है। आपने वचन में कहा है कि मैं तुम्हारे साथ आत्मिक रीति से तुम्हारे साथ हूं, शारीरिक रूप से दूर हूं, लेकिन आत्मिक रीति से मैं तुम्हारे साथ हूं। केवल विश्वास करो और एहसास करो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, अभी तुम्हारे साथ हूं। प्लीज लॉर्ड धन्यवाद देते हैं, इसके पिता आपके हाथों में सारी आराधना को सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल कीजिए प्रार्थना को, आमीन आमीन और आमीन। आइए चंद गीतों को गाएंगे हम और निकाल लेते हैं, हम अपनी गीत की किताब में से निकाल दें। हम वो गीत गाते हैं मेरा जीजो कि गीत सबको आता हो, स्तुति वर्षिप आप अपने शहर में, अपने घर में, अपने कोने में करेंगे तो प्रभु सुनेगा। हम जहां बैठे इलाहाबाद में है, लेकिन अब आगरा में है, इटावा में है, कुर्जा में, जहां कहीं भी है आप जुड़े हैं, खुदा हमारा आपको ब्लेस करेगा, कोई शर्म नहीं है। गर्व से स्तुति करिए हमारे साथ, हम गीत निकालेंगे गीत नंबर 19, उस 19 का हम लोग गीत गाएंगे, कोरस है और गीत गाएंगे, आराधना में छुटकारा, आराधना में चंगाई, इस गीत को गाएंगे और मैं रंजीश कटिंग आपके साथ संगति करूंगा। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु से सबको आशीष दे इन गीतों के द्वारा। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु, शरीर दे आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा यीशु। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, कटाओ खुलेगा सर की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी, कटाओ खुलेगा सर की आशीष पाओ तुम मुझसे अभी। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, कर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन, कर्मी जन की प्रार्थना विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारा बंधन। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, हालेलुया। प्रार्थना करो आराधना करो, वो अच्छा है कितना भला है, छुटकारा पाए हमेशा हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा। खुदावंद का धन्यवाद हो, इस पवित्र हमने भजन गाया, कोरस गाया, गीत गाया, लेकिन ये अलग किस्म का ये गीत है, अलग किस्म का गीत है जिसको हम गाते हैं तो हमारा मन खुश हो जाता है, क्योंकि हम आराधना करने बैठे मेरे जीसो, आराधना करने के भाव से बैठे हैं, विश्वास के भाव से बैठे हैं, एक विश्वास के साथ कि हमें प्रभु से मिलेगा, ब्लेसिंग मिलेगी। ये गीत में बड़ी खुदावंद के वादे हैं, लेकिन वादा हमको करना है प्रार्थना के साथ, अगुवाई करेगा खुदावंद। हम निकाले भजन संहिता, निकाले हम बाइबल से भजन संहिता निकाले 25, भजन संहिता 25 पर से आज हम कुछ बातों को देखेंगे, 1-8 तक भजन संहिता 25 में देखेंगे, 1-8 तक खुदावंद की तारीफ है, खुदावंद का वचन है और खुदावंद का भजन संहिता जिससे दाऊद ने लिखा है, आत्मा से भर के दाऊद ने लिखा है, कुछ बातें, कुछ अहम बातें, कुछ अहम वादे प्रतिज्ञा है इस वचन में, जो भजन संहिता से पढ़ेंगे अभी 25 का 1-8। मेरे जीजो बाइबल खोल के हमारे साथ पढ़ने में बड़ी मदद करिए, अगुवाई करिए,
प्रभु आपको अगुवाई करेगा, आप हमारी अगुवाई करिए, मेरे साहस को बढ़ाई मेरे अजीज हो। निकालिए भजन संहिता पुराने नियम से 25 उसका 1-8। ये कलाम इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मैं अपने मन को तेरी ओर उठाता हूं, हे मेरे परमेश्वर मैंने तुझी पर भरोसा रखा है, मुझे लज्जित होने ना दे, मेरे शत्रु मुझ पर जयकार करने ना पाए, वरन जितने तेरी बात जोड़ते हैं उनमें से कोई भी लज्जित ना होगा, परंतु जो अकारण विश्वासघाती है वही लज्जित होंगे। हे यहोवा अपने बाल मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता, मुझे अपने सत पर चला और शिक्षा दे, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी बाट उठता रहता हूं। हे यहोवा अपनी दया और करुणा के कामों को स्मरण कर, क्योंकि वे तो अनंत काल से होते आए हैं। हे यहोवा अपनी भलाई के कारण मेरी जवानी के पापों और मेरे अपराधों को स्मरण न कर, अपनी करुणा के अनुसार तू मुझे स्मरण कर। यहोवा भला है और सीधा है, इसलिए वह पापियों को अपना मार्ग दिखाएगा। यहोवा भला है और सीधा है, पापियों को उसका मार्ग दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा। केवल आप विश्वास करो, परमेश्वर से सब कुछ सौंपोगे, निश्चित है कि आपको दुआ उत्तर मिलेगा, वचन के द्वारा मिलेगा, दुआ को उत्तर मिलेगा, और हो सकता है किसी दास के द्वारा आपके ना अपने मुख से भविष्यवाणियां करवा दे, खुदावन दास के मुख से खुदावन भविष्यवाणियां करा दे आपके लिए, ये भी हो सकता है। आप विश्वास करो, विश्वास से प्रार्थना मांगो। आइए हम एक गीत और गाते हैं प्रभु की तारीफ में, और गीत का नंबर है, गीत का नंबर 136, गीत का नंबर 136 हम निकालेंगे, उस गीत को गाएंगे जो गीत को हम लोग गाते हैं, और उस गीत में हम आशीष को रिसीव करेंगे, उस गीत को गाएंगे। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदाई करते हैं, इस गीत के साथ खुदावन ने हमें चमत्कार करने का वादा किया कि मैं चमत्कार वाले जीवन करूंगा, चमत्कार करूंगा तुम्हारे जीवन में। इस गीत के द्वारा हम गीत गाएंगे और गीत के बोले आवाज उठाएंगे, हम साथ बजाएंगे, हे यीशु यहाँ, हम साथ आवाज उठाएंगे, हम गीत को गाएंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे। मेरे पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, लेकिन हमारे पास ताली खुराने दी है, हाथ दिए हैं, और ताली में बुलंद आवाज निकलेगी और गले से स्तुति करेंगे, प्रभु की तारीफ करेंगे, क्योंकि परम पिता परमेश्वर की हम स्तुति कर रहे, आराधना कर रहे। मेरे हम ताली बजाते हुए गीत को गाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे, है ये तुम्हारा अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे संसार की सुंदरता में, है पूजो तेरा ही इन चांद सिता जोते राही, संसार की सुंदरता में पूजते राही, इन सितारों में जोते राही, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महा अपना हम सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे दिल तेरा खसा है एक पाक मोहब्बत का पा न सका कोई, सागर है तू पत का दिल तेरा खसा सजाएंगे, है यीशु महा अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में।
के मनुष्य आया आकाश से सागर में मुक्ति का तू दाता है दुनिया को बताएंगे है यीशु महा अपना ये की सुनाएंगे आवाज उठाएंगे खुदावंत का धन्यवाद हो खुदावंत का शुक्र है धन्यवाद है प्रभु का कि प्रभु ने अगुवाई करी इस गीत के साथ गाने की अगुवाई करी क्योंकि प्रभु का स्तुति करना बहुत जरूरी है और वचन में लिखा हुआ है कि तू मेरी स्तुति करो गला खोल के करो गला खोल के स्तुति करो और गला खोल के प्रचार करो खुदावंत का कलाम कहता है यशाया 58 में स्तुति भी ऊंचे स्वर से करो ताकि शैतान सुने खुदावंत का कलाम प्रचार करो कि एक एक शब्द शैतान के कानों में जाए उसके साथियों के कानों में जाए और दूर भागे दूर शक्तियां दुर्बल शक्तियां दर्द उठने दूर भागे इस नाम में सामर्थ्य वचन में सामर्थ्य प्रभु के मेरे अजीजों आइए हम बाइबल खोले और भजन संहिता 5 निकाले और 1-9 तक देखेंगे भजन संहिता 5 में 1-9 तक देखेंगे खुदावंत की ओर से सुरक्षा के लिए हम प्रार्थना करेंगे भजन संहिता सुरक्षा के लिए हमारे हमारे जीवन की सुरक्षा के लिए हमारे परिवार की सुरक्षा के लिए हमारी नौकरी की सुरक्षा के लिए ये भजन संहिता हमको सिखाता और बताता है एक एक शब्द आइए हम भजन संहिता पढ़ेंगे 5:1-9 तक में हम देखेंगे भजन संहिता 5 में कि क्या सुरक्षा कवच खुदा ने हमारे तैयार करी है कैसी पवित्र आग दिया है कैसे अपने वादे को पूरा किया है अय्यूब के समान हमारे घर को हमारे परिवार को अपने बारे में सुरक्षित करने वाला परिश्रम यहोवा है अन्य कोई देवी देवता नहीं है न था न होगा अभी इसी वक्त में जब मैं प्रचार करूंगा तो मैं बहुत सी चीजों को बयान करूंगा और बताऊंगा खुदा मन के अभिषेक नबियों के बारे में मेरी अजीजों हम सीखेंगे जानेंगे अपने विश्वास को अपनी धर्मिता को मजबूत करेंगे गवाहियों के लिए आइए हम ध्यान से सुने और वचन में ध्यान से पढ़ेंगे और सुनेंगे हे यहोवा मेरे वचनों पर कान लगा मेरे कहने की ओर ध्यान लगा हे मेरे राजा हे मेरे परेशान मेरी दुहाई पर ध्यान दे कि मैं तुझी से प्रार्थना करता हूं हे यहोवा भोर तो मेरी बाड़ी तुझे सुनाई देगी भोर को मेरी बाणी तुझे सुनाई देगी मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात दूंगा मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बात दूंगा मेरे अजीजों भोर की प्रार्थना उद्धार का समय होता है भोर का परेश्वर का प्रसन्नता का समय होता है भोर का अगर आप उठ सको प्रार्थना के लिए नहीं उठ सकते परेश्वर आपको उठाएगा आप कहोगे उठाएगा भोर की प्रार्थना उद्धार करने की प्रार्थना है प्रसन्नता का समय है ध्यान दीजिएगा वचन में दिया है मैं आपको याद बता रहा हूं कि इस चीज को याद रखिएगा और निशान लगा लीजिए इस पद पर निशान लगा लीजिए क्योंकि तू मेरा क्योंकि तू ऐसा ईश्वर नहीं जो दुष्टता से प्रसन्न हो बुराई तेरे साथ नहीं रह सकती है घमंडी तेरे सम्मुख खड़े होने ना पाएंगे तुझे सब अधिकारियों से घृणा है तो उनको जो झूठ बोलते हैं वे नष्ट करेगा जोवा तो हत्यारे और छली मनुष्य से घृणा करता है परंतु मैं तेरी अपार करुणा के कारण तेरे भवन में आऊंगा मैं तेरा भय मानकर तेरे पवित्र मंदिर की ओर डरपोक करूंगा हे यहोवा मेरे शत्रु के कारण अपने धर्म के मार्ग पर मेरी अगुवाई कर मेरे आगे किए अपने सीधे मार्ग को दिखा क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं उनके मन में निरी दुर्दशा है उनका गला खुली हुई कब्र है वे अपनी जीव से चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं हे यहोवा परमेश्वर तू उनको दोषी ठहरा और वे अपनी ही युक्तियों में आप ही घिर जाएं, उनको उनके अपराधों की अधिकाई के कारण बाहर निकाल बाहर कर क्योंकि उन्होंने तेरी तुझसे बलवा किया है उन्होंने तुझसे बलवा किया है भजन द्वारा खुदावर आशीष दे हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि अभी हम कलाम में चलेंगे कलाम में चलने से पहले वचन की रीडिंग में चलेंगे और हम निकाल लें वचन की रीडिंग में वचन रीडिंग निकाल लेते हैं उत्पत्ति 22:1-5 तक उत्पत्ति 22:1-5 तक हम रीडिंग में चलेंगे उसके बाद हम प्रभु का धन्यवाद देंगे प्रभु का धन्यवाद देंगे प्रार्थना के साथ वचन में चलेंगे तैयारी के साथ वचन में चलेंगे जो अपने को हम तैयार करें वचन के द्वारा आज की रीडिंग हम देखेंगे खुदावंत ने इब्राहिम के साथ जो भी अपनी योजना दिखाई इब्राहिम के साथ इसहाक के लिए जो भी योजना दिखाई चुनाव दिखाया वो खुदावंत की योजना के अनुसार था आइए वचन को देखते हैं
पांच तक देखेंगे, उत्पत्ति 22 का 1-5 देखेंगे और उसमें वचन को हम बहुत कुछ सीखेंगे जानेंगे। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से यह कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। उसने कहा, देख मैं यहां हूं। उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। अतः अब्राहम सवेरे तड़के उठा और अपने गधे पर काठी कसकर अपने दो सेवक और अपने पुत्र इसाक को संग लिया और होम बलि के लिए लकड़ी छीन ली। तब निकलकर उस स्थान की ओर चला जिसकी चर्चा परमेश्वर ने उससे की थी। तीसरे दिन अब्राहम ने आगे उठाकर उस स्थान को दूर से देखा और उसने अपने सेवक से कहा, गधे के पास ये ठहरे रहो, ये लड़का और मैं वहां जाकर और झटपट करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। ये खुदावन का जीवित कलाम है। खुदावन इस कलाम के पढ़े सुने जाने पे हमको, हमारे अजीजों को, हमारे सुनने वालों को आशीष दे और आशीष दे। आइए दुआ करते हैं, फिर वचन में हम आगे बढ़ेंगे और खुदावन की संगति में हम प्रभु का धन्यवाद देंगे, सीखेंगे कुछ बातों को, कुछ वर्षों को, कुछ वचनों को आगे बढ़ेंगे धार्मिकता में, विश्वास में। आइए दुआ करते हैं। पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्यवाद देते हैं, शुक्र अदा करते स्वामी, आपने एक बार फिर से मौका दिया है कि प्रार्थना करके आपको धन्यवाद दें। ये समय शास्त्री हम वचन की ओर जा रहे हैं, प्रचार की ओर जा रहे हैं। खुदावन मैं जीरो शून्य हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी अगुवाई करना, मेरी जारी ओर होना है शास्त्री, अपने वादे के अनुसार, अपने वाचक के अनुसार तेरे वचन का मैं प्रचार कर सकूं। ये नाचीज तेरा बेटा रजनीश तेरे वचन का प्रचार कर सके, मुझे तौफीक दे, गला खोल के प्रचार करो, आत्मा से भर के दुआ करो, भविष्यवाणिया घोषणाएं कर प्रार्थना के साथ करो। शिवाश्री तैयारी दे शिवाश्री, हमारे अजीजों को जो सुन रहे हैं, अपने को तैयार कर रहे हैं, उनके हृदय को अपने लहू से धो कर साफ शुद्ध कर, उनके कान के छेड़ों को खोल दे शिवाश्री, की उनकी आत्मिक आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, उनके हृदय आपके लहू में शुद्ध पवित्र हो जाए शिवाश्री। वचन के लिए अपने को तैयार करें, गवाहियों के लिए अपने को तैयार करें शिवाश्री, इनके द्वारा इनके पास पड़ोसी आशीषित हो, इनके जान पहचान वाले आशीषित हो। ऐ खुदावन ये तेरी आशीष, तेरी ज्योति, तेरा दीपक छाने शिवाश्री। ए पिता, अपने वादे को पूरा कर, आज के वचन से आशीषित कर और आशीषित करे शिवाश्री। सारा धर्म महिमा आपको देते हैं, आप बड़े मैं घटू यीशु नासरी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को। आबीन आबीन और आबीन। मेरे अजीजों, अभी हमने वचन में से देखा था उत्पत्ति 22:1-5 में हम पांचवा पद देखेंगे, हम पांचवा पद देखेंगे, उसके बाद हम दूसरा तीसरे पद में हम गौर करेंगे, पद में से गौर करेंगे कि खुदावन ने इब्राहिम से कहा, खुदावन ने इब्राहिम से एक लौते बेटे के लिए कहा था मेरे अजीजों, क्योंकि इब्राहिम खुदावन का चुना हुआ था, चुना हुआ था। खुदावन ने अपनी वाचाएं इब्राहिम का और सारा पर पूरी करी, सबसे बड़ी ब्लेसिंग दी बेटे इसहाक की जन्म की। इब्राहिम और सारा लज्जित थे, चिंता करते थे, एसाव को वो अपना पुत्र मानते थे, एसाव जो उसकी दासी का पुत्र था। इब्राहिम ने सारा ने सबर कर लिया था कि एसाव भी मेरा पुत्र होगा, उनको नहीं पता था कि परमेश्वर कैसे चुनता है और कैसे वरदान और कैसे ब्लेसिंग देता मेरा जिसको। परमेश्वर यहोवा दया करने वाला है, परमेश्वर यहोवा चुनने वाला है, वो ये देखता है कि आपका विश्वास क्या है, आपका डर क्या है, आपका ईमान किस जगह पे है, किस जगह स्थिर है, वो देखता है परमेश्वर। उसने इब्राहिम को और सारा को दुखों में देखा, अपानी सोते में देखा, टूटे हुए मन को देखा और परमेश्वर ने दर्शन दिए और खुदावन ने इब्राहिम को जो औलाद की आशीष दी, पुत्र की आशीष दी, मेरा चीजों औलाद की पुत्र की आशीष दी हमने और ब्लेस किया। उसी समय पर इसहाक का जन्म हुआ, इसहाक का जन्म हुआ मेरे अजीजो। आज वो समय आ गया है कि खुदावन ने कहा कि अब मैं देखूं कि मैंने उसको पुत्र दे दिया है, पुत्र की आशीष दे दी जो कभी थी घटी थी, मैंने दे दिया उसके वंश को, दे दिया है। आज मैं देखूंगा कि इब्राहिम का विश्वास मुझसे प्यार करने वाला है, विश्वास करने वाला है कि नहीं है। इसारा को भी मैं देखूंगा मुझसे प्यार करने वाली, विश्वास करने वाली है कि नहीं है। इसलिए खुदावन परेशान है, इब्राहिम से कहा, सारा से नहीं कहा मेरे जीजो, ध्यान दीजिएगा, सारा से नहीं कहा है, वह स्त्री है, मां है, वो कोख से जन्म दिया है। इसलिए सारा से नहीं कहा है, इब्राहिम से कहा, पिता से कहा, तो पिता मजबूत होता है, विश्वास में इरादे में मजबूत होता है।
जो इब्राहिम खुदावन को अपना मित्र कहता था, खुदावन के पास मित्र कहता था, इलोही कहता था, वो इब्राहिम से खुदावन परमेश्वर ने दर्शन देके कहा, पर चार और पांच बजे देखेंगे। तो इब्राहिम से कहता मोरिया घर की पहाड़ी पर चले जा, मोरिया पहाड़ी पे चले जा, मुझे तेरे बेटे इसहाक की बलि कर, बलि कर मेरे लिए, तेरा बेटा जो मैंने तुझे दिया उसको मेरे लिए बलि कर दे। ऐसा परीक्षा, एक अनोखी परीक्षा, एक कठिन परीक्षा, एक गंभीर परीक्षा थी इब्राहिम के लिए। मेरे चीज वो परीक्षा जो परीक्षा कोई माँ बाप नहीं दे सकता है, लेकिन खुदावन ने इब्राहिम से वो परीक्षा ले ली। मेरे चीजों उस परीक्षा को ले ली इब्राहिम से, और इब्राहिम ने तैयार हो गया। कोई सवाल नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई डर नहीं, कोई व्याकुलता नहीं, कि खुदावन ने दिया, खुदावन ने आदेश दिया है कि वो बेटा मुझे दे दे, कुर्बानी करके मेरे नाम के लिए मोरिया पहाड़ी पर जाके। मेरे चीजों पर पास में देखेंगे तो इब्राहिम तैयारी के साथ निकल गया है। इब्राहिम बड़ी तैयारी के साथ निकल गया। मेरे चीजों बड़ी तैयारी के साथ इब्राहिम निकल गया है। अपने अपने सेवकों से कहा गधे को तैयार करो, रात पर तैयारी करी उसने। बिजली था, एक पिता बिजली है, लेकिन एक पिता को एक पिता ने आदेश दिया है, आज्ञा दी है। एक पिता को एक आज्ञा दी, पिता ने आज्ञा दी, पवित्र पिता ने आज्ञा दी एक पिता को, संसारिक पिता को, संसारिक पिता को आज्ञा दी है बेटे की कुर्बानी के लिए। उसी पर उसने कोई ना नुकुन किया, रात भर नहीं सोया होगा, बेचैन होगा। मेरा विश्वास, मेरा जीतो इब्राहिम विश्वास का, अगर संसारी तुझे ऐसे माँ बाप से हम लोग कहें तो माँ बाप लोग का मुकदमा कर देंगे, थाने में रिपोर्ट कर देंगे, कैसा कह रहे हैं ये बलि करने के लिए। ओ ओ खुदावन का प्यार कैसा है, खुदावन का प्यार कैसा है आपके बीच में। खुदावन कभी कभी बातें करता है तो परीक्षा लेता है आपके विश्वास की, आपके उस विश्वास की, आपके उस संगति की, उस धर्मिता की परीक्षा भी परीक्षा आप ही से लेगा। मेरा चीजों ऐसे इब्राहिम से ले लिया है। इब्राहिम ने कहा खुदावन तूने आज्ञा जो तूने दिया है, तेरा अधिकार इस बच्चे पर है, मेरा अधिकार नहीं है। मैंने स्वर कर लिया था कि तूने बुढ़ापे का सहारा मुझे दिया है, बुढ़ापे का औलाद तूने मुझे दिया है। ऐ खुदावन ताला तूने कहा बलि के लिए बलि करूंगा, और उसने कहा अपने सब कुछ का सुबह तैयार हो जाओ, हमको लेकर चलना है, ईसा के साथ जाना है मोरिया घाटी में, मोरिया पहाड़ पे मुझे जाके प्रार्थना करना है, प्रार्थना करना है। और तैयारी के साथ क्या है, लकड़ी लिया है, छुरी लिया है, आग लिया है, आग ले ली, तीनों सामान ले लिया है, और गधे पे लादकर और अपने बेटे को लेकर, अपने सेवकों को लेकर इब्राहिम आगे चल गया है, चल गया है टूटे हुए मन से। लेकिन खुदावन की तारीफ कर रहा है, मेरा चीजों खुदावन की महिमा भी कर रहे हैं इब्राहिम, जो खुदावन का उदास है, अभिषेक दास है, खुदावन का तारीफ कर रहा है। उस संगे भी टूटे मन से व्याकुलता में तारीफ कर रहा है, एक बेटा है, एक बेटा है। उस जगह पहुंच गया है मेरे चीजों, उस जगह मोरिया मोरे के उस पहाड़ी पे पहुंच गया है, जब खुदावन ने उसको आज्ञा दी थी, जिस पहाड़ी पे जाने की आज्ञा दी थी उस जगह पहुंच गया है। और उसने अपने सेवकों से क्या कहा है, मैंने ध्यान सुनिए। और उसने अपने सेवकों से कहा, किसने, इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा, इब्राहिम ने अपने सेवकों से कहा गधे के पास नहीं ठहरे रहो, ये लड़का अब वहां जाकर और जनवर करके तुम्हारे पास लौट आएंगे। विश्वास सुनाओ का विश्वास, ये लड़का हूं मैं, ये लड़का मैं उस पहाड़ी पर जाके खुदावन को डनवर करके वापस लौट आएंगे, वापस लौट आएंगे। सुनिएगा इस वचन को, सुनिएगा, मैं ये लड़का वापस लौट आएंगे। अपने सेवकों से कहा इब्राहिम ने, मेरा जीजो इब्राहिम ने कहा। कैसी परीक्षा, तैयार है, हम तैयार है परीक्षा के लिए। मेरे अजीजों तैयार हो परीक्षा के लिए, किस घड़ी परीक्षा आपकी हो सकती है, तैयार हो, मत विचलित हो, मत दुआ करना छोड़ो और प्रार्थना करो और तैयारी करो। जब ऐसी परीक्षा आती है और मुकदमे होते हैं, कोई झूठे मुकदमे लगाता है, कोई झूठे हंसी उड़ाता है, कोई बेइज्जती करता है, कोई लड़ाई झगड़ा करता है, कोई गाली बकता है, मत उत्तर दो, केवल आप चुप रहो और परीक्षा के हाथ में सबकी दुआ करो, आत्मा में दुआ करो, उसके लिए दुआ करो, परिस्थितियां बदलेगी, बदलेगी परिस्थितियां। इब्राहिम की परिस्थितियां बदल गई। इब्राहिम दुआ करके आ रहा था अपने बेटे के साथ और मोरिया पहाड़ी पर दुआ करके आ रहा था, पिता का धन्यवाद करके आ रहा था बेटे के साथ। विश्वास था कि वापस आएंगे, वापस आएंगे, परमेश्वर इंतजाम करेगा, मेरा का इंतजाम करेगा। विश्वास था, अपने सबको सिखाया के गया था कि विश्वास करना, हम वापस आएंगे, अपने बेटे के साथ वापस आएंगे। इब्राहिम का मेरा जी तो विश्वास था, ये पिता से पाला। एक पिता ने एक पिता को हुक्म दिया, एक पिता ने अपने बेटों को तैयारी को हुक्म दिया,
संबंध बने चले जा रहे हैं, संबंध बने चले जा रहे हैं। आइए हम कुछ देर के लिए देखेंगे, कुछ देर के लिए हम चिंता करेंगे, हम देखेंगे शमूएल के बारे में। हम निकाल ले, पिछली बार हमने आपको बताया था, हमने बताया था कि मूसा का अद्भुत रीति से चुनाव किया, खुदावन ने आग के द्वारा चुनाव किया था, आग के द्वारा चुनाव किया था। आज हम देखेंगे शमूएल का चुनाव खुदावन ने कैसे किया, शमूएल का चुनाव खुदावन ने कैसे किया। पहले हम इतिहास को जाने, शमूएल के जन्म के लिए हम जानेंगे, उस वाचा को जानेंगे तो हन्ना ने करी थी खुदावन परमेश्वर से। खुदावन के मुख्य द्वार पे हन्ना ने आत्मा में आंसू से रोते हुए अपने दुआ करी थी आत्मा में भर के दुआ करी थी और खुदावन से वादा किया था, वाचा मानी थी मेरे चीजों। हम पहले इतिहास को जानेंगे, फिर देखेंगे खुदावन का कॉल शमूएल के लिए कैसे होता है, हम उसको नोट करें और निशान लगाए बाइबल में। अभी हमने इब्राहिम के बारे में देखा कि इसहाक का चुनाव किया, इसहाक का चुनाव किया कुर्बानी के लिए, मेरे जीजो किसके लिए, कुर्बानी के लिए इसहाक का चुनाव किया। और विश्वास को देखा, इब्राहिम के विश्वास को देखा, जिस चीज को हमने जाना और सीखा, इस गंभीर बात को हमने बाइबल कई बार पढ़ी होगी, लेकिन अब हम देखेंगे। निकालें पहला शमूएल, पुराने नियम से निकालें पहला शमूएल, उसका 11 पद निकालेंगे। मेरे अजीजों बाइबल में उसे नोट करते जाइएगा, जो मैं बताता हूं उसको नोट करिएगा, ये बहुत वर्षित बने आपके जीवन के लिए, आपकी धार्मिकता के लिए काम आएगी। मेरे अजीजों जो मैं बता रहा हूं ध्यान से सुनिए, हम निकाले पहला शमूएल 11, पहला शमूएल का पहला और 11 पद देखेंगे। जो हन्ना ने वाचा बांधी है, परमेश्वर से वाचा बांधी है, आपने पढ़ा जरूर होगा लेकिन ध्यान नहीं दिया होगा, हन्ना की वाचा का ध्यान नहीं दिया होगा। मेरे अजीजों आइए हम देखेंगे, वचन देखेंगे क्या लिखा है वचन में, हम ध्यान से देखेंगे और समझेंगे वचन को। पद 11 में हन्ना ने क्या कहा खुदावन से, क्या कहा, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा के से प्रार्थना करने और बिलख बिलख रोने लगी। वो मन में बिलख बिलख रो रही है, व्याकुलता से भरी है, शब्द से भरी हुई है, आप विश्वास से भरी हुई है कि खुदावन परिश्रम ने मेरी परिंदा को, मेरी दूसरी, हमारे पति की दूसरी पत्नी को, परिंदा को आशीष दी है। अलकाना की पत्नी को, दूसरी पत्नी को आशीष उपलब्ध की दी, मुझे क्यों नहीं दी। रो रही है और ब्लक ब्लक रो रही है, आत्मा में रो रही है ना। मेरे अजीजी इतिहास है, शमूएल का कॉलिंग का इतिहास है। जब तक इतिहास नहीं जानेंगे हम नंबर नहीं पाएंगे, हम नंबर नहीं पा सकते। हम रो रही है, एक माँ जिसकी कोख बंद कर रखी है परमेश्वर ने, रो रही है माँ, रो रही है माँ, बिलख बिलख रो रही है परमेश्वर के द्वार पे, अंदर में नहीं गई है, वेदी पर नहीं है, दरवाजे पे रो रही है, परमेश्वर के द्वार पे रो रही है। मेरे शिशु और वाचा बांधती है, अब हम देखेंगे वाचा क्या बांधती है। और उसने जब मन्नत मानी, उसने ये मन्नत मानी मतलब वाचा बांधी परमेश्वर से, हन्ना ने वाचा बांधी मेरे शिशु। और ये हन्ना ने ये मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, हे सेनाओं के यहोवा, खुदावर का धन्यवाद हो, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सत्पुर दृष्टि करे, यदि तुम दासी के दुख पर सत्पुर दृष्टि करे और ऐसी सुधि ले और अपनी दासी को न भूल जाए, अपनी दासी को पुत्र दे तो मैं उसको उसके जीवन भर के लिए यहोवा के भवन में अर्पण कर दूंगी और उसके सिर पे सूरा फिर देने पाएगा। एक वर्षा बांधी है मेरे जीजो, हमारा वचन आपको सुनाई दे रहा है तो मुझे संकेत करिए, संकेत कमेंट्स के द्वारा संकेत करिए मेरे जीजो, अगर मेरा वचन आपको समझ में आ रहा है तो संकेत करिए कमेंट्स के द्वारा, संकेत करिए मेरे जीजो। हन्ना ने वाचा बांधी है, खुदावन से मन्नत बांधी है, अगर तू मेरी कोख को खोलेगा, मुझे बेटे की आशीष देगा, आशीर्वाद देगा बेटे के, और मन्नत मांग रही है दुआ के साथ, टूटे हुए हृदय से विश्वास के साथ मांग रही है, खुदावन के द्वार पे वेदी पर भी नहीं गई है, वेद पर भी नहीं गई है, खुदावन के द्वार पे दुआ मांग रही है, खुदावन के द्वार पे दुआ मांग रही है। हन्ना, अगर तू मुझे कोख को खोलेगा, मुझे बेटे का आशीष देगा, ऐ खुदावन तू मुझे बेटे का आशीष देगा तो यकीन मान मैं वादा करती हूँ, वाचा बांधती हूँ कि अपने पहले पुत्र को तेरी सेवकाई में दे दूंगी, तेरी सेवकाई में पहले पुत्र को अर्पण कर दूंगी मैं, और उसके सिर पे उसूरा नहीं फिरेगा, उसके सिर पे उसूरा नहीं फिरेगा। पहली वाचा हन्ना ने बांधी, खुदावन से बांध ली, उसके भवन के पास, उसके द्वार पे बांधी, कोई मेज के पास नहीं गए, कोई मेदी के पास नहीं गए, अपने दुखों को प्रकट किया, आंसुओं के साथ अपने दुखों को प्रकट किया, खुदावर से बात करी, उसने खुदावर से बात करी, प्रकट किया, इस भेद को प्रकट किया।
तारीफ करते हुए हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन के लोग ऐसे हैं, ऐसे विश्वासी लोग हैं जिनका मन टूटा हुआ है, जिनका मन घबराया हुआ है, संसार से, रिश्तेदारों से, पति पत्नियों से, बच्चों से घबराया हुआ मन, ऐसे भी बहुत से रिश्ते हैं मेरे शिशु। हन्ना भी बहुत दुखी है, टूटी हुई है, इसकी हंसी उड़ाई जा रही है। हन्ना ने अपने को तैयार किया, खुदावन से मांगा, खुदावन से वाचा बांधी और वाचा बांधने के बाद वो वापस खड़ी है और एली देख रहा है, वहां के याजक देख रहा है कि ये मुंह खोल के कह रही है, आंसू से रो रही है, सोच रहा है नशे में, कहे ए स्त्री तू क्यों नशे में बोल रही, खुल के बोल, कह तू स्त्री नहीं हो, ए खुदावन के दास, ए खुदावन याजक, मैं तू स्त्री नहीं हूं, मैं खुदावन से विनती कर रही हूं, मैं दुखी औरत हूं, आंसू से मांग रही हूं, दुखी औरत हूं, ठट्टू उड़ाई गई औरत हूं, मैं खुदा से मांग रही हूं, खुदा से मांग रही मेरी ऐसी जो मांग रही हूं। खुदावन ने अपने दास के द्वारा अपने जाके द्वारा मुंह को खुला दिया और भविष्यवाणी कर दी, भविष्यवाणी कर दी बच्चे के जन्म की, पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी कर दी, एली के द्वारा खुदा परिषद ने उस जबान को खोल दिया है, अपने दास की अपने याचक की जबान को खोल के भविष्यवाणी करा दी, भविष्यवाणी करा दी हन्ना के लिए, हन्ना के बेटे के जन्म के लिए भविष्यवाणी करा दी। आइए हम देखेंगे पद, हम चलेंगे पद देखते हैं तीन में कुछ बातों को, अब हम देखेंगे शमूएल की कॉलिंग कैसे हुई। अभी तो हमने वाचा देखी है, ऐसी तो वाचा को देखा और समझा है वचन के द्वारा, वाचा को देखकर समझा है। पायल को अगर वो पायल को बुला दें, हो सकता है फोन नहीं चल रहा है, पायल को बुलाए, हम वाचा को देखेंगे और देखेंगे वाचा को समझेंगे कि खुदावन ने कॉलिंग कैसे की। अभी हम वाचा को देख रहे हैं, वाचा को समझ रहे हैं, अभी हम कॉलिंग देखेंगे कि शमूएल की कॉलिंग अलग तरीके से हुई। मेरे दर्शकों, इब्राहिम के बारे में भी देखा, इब्राहिम क्या कॉलिंग देखी, किसी कुर्बानी की कॉलिंग देखी, परमेश्वर द्वारा इशाक की कॉलिंग को देखी और विश्वास देखा, इब्राहिम का सब्र और विश्वास देखा खुदावन ने, चार अभी हमने इस चीज को जाना और सीखा भी हमने। हम नई चीज जानने जा रहे हैं, एक नई चीज, एक नया चुनाव, एक नई कॉलिंग देखने जा रहे हैं। आज हम वचन में शमूएल का चुनाव देखने जा रहे हैं, खुदा मैंने कैसे चुना है मेरा चीज, कैसे चुना है शमूएल को खुदा मैंने। हम देखेंगे पहले निकाल लें कि पहला शमूएल का तीन निकाले, वचन में से निकाले पुराने नियम से, पहला शमूएल तीन उसका चार और पांच देखेंगे। पहले हम तीन देखेंगे उसका चार और पांच देखेंगे ताकि अपने को मैं मजबूत करूं, अपने को मजबूत करें, मैं भी मजबूत कर रहा हूं मेरा चीज, आप जितने को मजबूत करो वचन में, कि आप लोगों को बता सको, अनजातियों को बता सको, मसीह लोगों में बता सको, जो भटके हुए लोग हैं बता सको, कलाम के बारे में, वचन के बारे में, चुनाव के बारे में बता सको आप लोग। आइए देखते हैं पद तीन में क्या लिखा हुआ है, खुदावन का कलाम देखेंगे पद तीन में, खुदावन ने क्या वाचा बांधी, कैसे शमूएल को पुकारा, खुदावन ने कैसे शमूएल को पुकारा ये देखेंगे। चलिए देखते हैं पद तीन में देखते हैं, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, जहां परमेश्वर का संदूक था वहां पे परम पवित्र जगह पे शमूएल लेटा है, परम पवित्र जगह पे, क्योंकि अर्पण कर दिया उसकी मां ने, अर्पण कर दिया अपने बेटे शमूएल को, और नाम रखा शमूएल क्योंकि परमेश्वर का मांगा हुआ, परमेश्वर से मांगा हुआ नाम रखा शमूएल। उस परम पवित्र जगह पे जब परमेश्वर का संदूक रखा है वहां शमूएल सो रहा है शिकास्ते, और अभी तक उसका दीपक नहीं बुझा है, सोने की तैयारी कर रहा है। शमूएल छोटा है, बालक है, छोटा बालक है, परमेश्वर को नहीं जानता मेरे अजीज, तो बच्चे और खुदा को नहीं जानते, जब तक माँ बाप ना सिखाए, संडे स्कूल में ना सीखे, बच्चे नहीं जानेंगे यीशु नासरी को, मरियम को नहीं जानेंगे, नहीं जानेंगे पिता परमेश्वर को, नहीं जानेंगे बारह शिष्यों को, नहीं जानेंगे, जब तक उनको बताया नहीं जाएगा, सिखाया नहीं जाएगा। शमूएल रह के सीख रहा है, एली के साथ रह के सीख रहा है मेरे अजीजों, एली के साथ रह के शमूएल सीख रहा है, अपने को मजबूत कर रहा है, धार्मिकता में मजबूत कर रहा है, विश्वास में मजबूत कर रहा है, और उस जगह पे जहां लेटा है और परमेश्वर का संदूक है मेरे अजीजों, परमेश्वर का संदूक रखा है, जहां शमूएल लेटता है तब सोता हुआ दीपक चल रहा है, उस पवित्र जगह पे दीपक चल रहा है। कलाम में दिखाया गया है, बताया गया है, और वहां मंदिर में जहां परमेश्वर का संदूक था लेटा था, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा, सुनिए कॉलिंग सुनिए परमेश्वर की, तब यहोवा परमेश्वर ने पद चार में देखेंगे, तब यहोवा ने शमूएल को पुकारा कॉलिंग,
अलग किस्म की कॉलिंग। मूसा की कॉलिंग अलग थी, जीसस की कॉलिंग अलग थी, गिदोन की कॉलिंग अलग थी। मैंने बताया पिछली बार सबकी कॉलिंग अलग अलग थी। समर की कॉलिंग अलग है, परिश्रम ने उस बेटी के पास कॉलिंग करी। कॉलिंग करी, आवाज दी है, आवाज दी है, आवाज दी है, समर को आवाज दी है, उस बालक समर को आवाज दी है। परिश्रम ने समर को जान लिया है, लेकिन समर ने नहीं जाना। जीजो समर ने नहीं जाना, परिश्रम ने जान लिया, पिता ने जान लिया समर को, इसलिए कॉलिंग करी है। प्रचार में दिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। तब यहोवा ने समर को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? अनजान बालक है, परमेश्वर की आवाज से अनजान है। संगति करना जरूर, लोग आ रहे हैं, दुआ करते, प्रचार करते, अच्छी बात है, संगति जरूर है, लेकिन उतना पक्का नहीं। बच्चा है, बालक है, पक्का नहीं है, कॉलिंग नहीं समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। कॉल किया परमेश्वर ने, समर को कॉल किया है, समर उठ के एली के पास गया है। समर उठ के एली के पास गया, वहां के याजक के पास गया, जिसके अंडर में, जिसके हाथों में उस बालक को उसके बाद छोड़कर आई है। वादा किया था, वाचा बांधी है कि अपने बेटे को ये भवन में दे दूंगी शिफ्टिंग के लिए। एक मां का वादा है, उसने वादा पूरा किया है। और परमेश्वर ने उससे पहले अपने वादे को पूरा किया है। परमेश्वर ने उससे पहले अपने वादे को, अपने वाचा को पूरा किया, अपने चुनाव को दिखाया, उस घर को टच किया, उस घर को आशीषित किया जो सुनी पड़ी थी। घर जितनी माए हैं, जितनी औलाद नहीं हो रही है, यकीन करो जब मैं दुआ करूंगा, अपनी कोख में हाथ रखना, कोख खुलावन खोलेगा, खुलावन कोख खोलेगा। मेरे अर्जित दो, जितनी औलाद नहीं हो रही है, जितनी औलाद की परेशानी है, छट्टे मोड़ाई जा रही है, यकीन मानना अभी कोख खोलेगा। प्रभु अब जब मैं दुआ करूंगा लास्ट में, रिसीव करना, रिसीव करना, अपनी ब्लेसिंग को रिसीव करना। खुदावन का धन्यवाद करते, पुकारा खुदावन ने पहली बार पुकारा। अनजान बालक उठ के एली के पास चला गया है। क्या तूने मुझे पुकारा है? क्या तूने मुझे पुकारा है? ऐ याजक खुदा के, ऐ एली याजक, क्या तूने मुझे पुकारा है? उसने उसने कहा नहीं। तब उसने एली ने के पास दौड़ के दौड़ कर गया और कहा, क्या क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा है? वह बोला, नहीं मैंने नहीं पुकारा। फिर जाके लेट जा, मना कर दिया, इनकार कर दिया, मैंने नहीं पुकारा मेरे बेटे, जाके लेट जा, रात बीत रही है, लेट जा, मैंने नहीं पुकारा है, मैंने नहीं पुकारा है। कॉलिंग 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 होली स्पिरिट की कॉलिंग है, पिता परिश्रम की कॉलिंग है, सबर के लिए जो माँ ने वादा किया, वाचा बांधी, कॉलिंग है मेरे अजीज, कॉलिंग है। खुदावन का धन्यवाद देते, जाके लेट जा। और तब उसने क्या करा, खुदावन के दास से जाता कहा, लेट जा, जाके मैंने नहीं पुकारा मेरे बेटे, मेरे बालक, मैंने नहीं पुकारा, जाके लेट जा, सोने की कोशिश कर, सोने की कोशिश कर, लेट जा। लेकिन विचलित है, खुदावन की कॉलिंग हो रही है, विचलित है बालक, विचलित है, खुदावन को नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, विचलित है वो, बहुत विचलित है, नींद नहीं आ रही उसको, नींद नहीं आ रही मेरे ऐसी उसको, विचलित है। पर्चे में जब देखेंगे तब लिखा है, तब यहोवा ने फिर यहोवा ने फिर पुकार के कहा, शमूएल हे शमूएल, उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा तूने मुझे पुकारा? खुदावन ने अब की बार दो बार आवाज दी, शमूएल हे शमूएल, उठ गया, तुरंत उठाए। देखिए बड़ी अजूब की अजीब सी बात है, एक बालक ने कॉल हो रहा है, एक अद्भुत कॉल हो रहा है, उठ के सीधा उठ जा रहा है, यानी कि लेट गया है या लेट के कुछ सोच रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सोने के बालक का ऐसा कुछ नहीं है, वो बालक तुरंत कॉलिंग पर उठ गया है, कॉलिंग पर उठ गया बालक, मेरे ऐसी तो आदर के साथ उठा है, आदर के साथ उठा है। वो बालक जो खुदावन को दी जाता है, मेरे प्यारे, मेरे प्यारों, खुदावन को नहीं जानता, कॉलिंग हो रही है, उठ जा रहा है, उठ जा रहा है, लेट लेट के उठ जा रहा है और जाके याजक के पास जा रहा है, पूछा, क्या तूने मुझे बुलाया है? क्या तूने मुझे बुलाया है? आदर दे रहा है, आदर दे रहा है खुदावन के दास को। अभी कॉलिंग पूरी नहीं हुई है, अभी तो ये उसका ये पेटिकल चल रहा है, शमूएल का पेटिकल चल रहा है मेरे चीजों। आइए आगे देखेंगे कि क्या हम आगे देखेंगे। और शमूएल उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आ गया तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, हे बेटे मैंने नहीं पुकारा, जाके ले जा रहे, जाके फिर से सो जा, सोने की कोशिश कर, मैंने नहीं पुकारा, दूसरी कॉल हो गई, अभी दूसरी कॉल हो गई। अगर बच्चा समझ में आ रहा है हमको आप बताइए, आपको कमेंट करिए मेरे भाई जी, जो कमेंट करिए ताकि आप वचन में मजबूत हो, हम भी मजबूत हो, हमें खुशी होगी कि मैं इस वचन कलाम का पेश कर रहा हूँ, आप लोग को अच्छा लग रहा है, आप लोग को समझ में आ रहा है, आपकी धमाचता बढ़ रही है, आपकी कॉलिंग हो सकती है, आपकी कॉलिंग हो सकती है, निश्चित
रहिए, बिल्कुल चिंता मत करिए, आपकी कॉलिंग हो सकती धार्मिकता में, गवाही में, तैयार रहिएगा, संकेत दिखाते रहिए मुझे अपने आप, संकेत दिखाते रहिए ताकि मैं जानू कि आप सो नहीं रहे, जगे मेरा जी, तुम कलाम सुन रहे हैं आप, कलाम को आदर दे रहे हैं आप, अपने अपना संकेत दिखाइए मुझे आप, संकेत दिखाइए अपना मुझे आप। हम आगे देखेंगे कि क्या वचन में लिखा है, आठवां पद देखेंगे, आठवें पद में हम देखते हैं आप कॉलिंग नहीं है, आप खुदावन की उपस्थिति होने जा रही है, कॉलिंग नहीं है। पर दस में देखेंगे हम, पर आठ में देखेंगे, फिर तीसरी बार यौवन ने शमर को पुकारा और उनके एली के पास गया और कहा क्या आ गया तूने मुझे पुकारा है, क्या आ गया तूने मुझे पुकारा, तीसरी कॉलिंग हो गई, तीसरी कॉलिंग हो गई। तीन कॉलिंग क्या है जैसे जो बाइबल में लिखा हुआ, तीन कॉलिंग क्या, परमेश्वर ने शमूएल को चुनाव के लिए तीन कॉलिंग क्या है, आप अपने को समर्पण कर दो शमूएल के समान, समर्पण करो आपको भी पुकार होगी, आपको भी कॉल आएगी, कॉल आएगी, होली स्पिरिट की कॉल आएगी आपको, समर्पण करो अपने को, समर्पण करते हो लेकिन मन नहीं है, भटक रहे हो। अभी मैं वचन प्रचार कर रहा था, इससे पहले वचन प्रचार कर रहा था, दुआ कर रहा था, उसमें दिया उद्धार करता, जिस राजमिस्त्रियों ने, जिन राजमिस्त्रियों ने उस पत्थर के कोने को निकम्मा साबित कर दिया और फेंक दिया है, वो राजमिस्त्री कौन मेरे शिष्यों, कौन है, याजक, शास्त्री, पुरनिय, वेश्यापाद, ये है राजमिस्त्री जिन्होंने निकम्मा साबित कर दिया, पत्थर के ईंटे के टुकड़े को, कोने को निकम्मा साबित कर दिया। लेकिन वचन कहता है उद्धार करता वही है, वही उद्धार करता है जो उद्धार करता है यीशु है, अन्य कोई देवी देवता उद्धार करने वाला ना था, ना है, ना होगा। मेरा जिसको ध्यान रखिएगा, चीज को जितने देवी देवता को लोग पूछते हैं वही देवी देवता परमेश्वर के आगे समर्पण करते हैं, उससे आज्ञा पाकर तब आगे बढ़ते हैं, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ते हैं। मेरा जिसको उद्धार करने वाला वही है, क्या वो देवी देवता को उद्धार कर सकता है तो मनुष्य को क्यों उद्धार करेगा। राजमिस्त्री ने उसको निकम्मा ठहरा दिया था, निकम्मा ठहरा, निकम्मा नहीं था, परमेश्वर इसको वो सामर्थ्य है कि उसके विश्वास की दीवार मकान बन गया, विश्वास का मकान बन गया, वो कोने का पत्थर, कोने का टुकड़ा, वो काम आ गया, सामर्थ्य के बल से खड़ा हो गया, उद्धार कर दिया। आज वचन तो मैं यही प्रचार कर रहा था, इस समय शमूएल की तीसरी कॉलिंग में उठ के गया है, शमूएल उठ के फिर गया और याजक के पास जाकर तूने मुझे बुलाया, नहीं समझ पा रहा है बालक, नहीं समझ पा रहा है खुदावंद परमेश्वर की कॉलिंग, नहीं समझ पा रहा है, वो बार बार जा रहा है याजक के पास, याजक ने उसको बुद्धि दी है, अब की बार याजक ने बुद्धि दी, अब की बार तुझे कॉल करे, अब की तुझे पुकारे, आवाज आए तो कह रहा प्रभु बोल, मैं सुन रहा, तेरा दास सुन रहा, बोल तेरा दास सुन रहा है। शमूएल बच्चा था, जैसे याजक ने कहा उसने आज्ञा का पालन किया और तैयारी के साथ चला गया पीछे के पे जहां संदूक रखा है, उस बेदी पे चला गया, लेट गया है। अब क्यों खुदा मैंने आवाज नहीं दी है मेरे अजीजों, पर दर्द देखे तो आवाज नहीं दी है, अब की खुदा स्वयं प्रसन्न हो गया है, परमेश्वर स्वयं आ गया है, समय पर स्वयं आ गया है, बात करने कोई आवाज नहीं, कोई कॉलिंग नहीं, स्वयं आ गया। खुदा ने उसको धीरज को देखा, विश्वास को, प्रेम को देखा, न जानते हुए भी उसको प्रेम विश्वास को आज्ञा मानने को देखा, परमेश्वर ने क्या आदर दिया से, परमेश्वर आपको कब कॉल कर देगा, तैयार रहना शमूएल के समान, तैयार रहना। शमूएल तैयार हो गया था, पहली कॉलिंग में तैयार हो गया था शमूएल, तीन कॉलिंग के बाद स्वयं दर्शन दिया यीशु ने, दर्शन दिया जीसस ने, परमेश्वर यहोवा ने दर्शन दिया है, अद्भुत कॉलिंग ही है शमूएल की, अद्भुत कॉलिंग है। वचन बड़ा गंभीर है, वचन की तैयारी उससे ज्यादा गंभीर है, अनुपम भाई जानते हैं और जितने खुदा उनके दास जुड़े हुए मेरे साथ सब जानते हैं वचन की तैयारी में कितनी गंभीरता है, कितना हम लोग को प्रार्थना के साथ तैयारी करनी पड़ती है, अनुपम भाई भी जानते हैं, उनकी पत्नी भी जानती है और जितने दास जुड़े सब जानते हैं। बहुत लोग हंसी उड़ाते हैं, अरे कोई काम नहीं है खुदा उनके दासों पर, कोई काम नहीं है, हफ्ते में संडे में जाते हैं और प्रचार कर देते हैं या किसी को खड़ा कर देते हैं। नहीं मेरे आशीषों, आप लोगों का सोचना कहना गलत है, मैं जानता हूँ खुदा उनके दास जानते हैं कि कितनी मेहनत है, कितनी तैयारी करनी पड़ती है, कितनी प्रार्थना करनी पड़ती है, ये कलाम वचन है, ये कहानी किताबें नहीं है, पवित्रात्मा से रची गई है, मेरे आशीषों पवित्रात्मा से लिखी गई है, रची गई है। हमको तैयारी के नहीं करेंगे तो हम कैसे खुदावन के दास कराएंगे, कैसे खुदावन के हम भविष्यवक्ता कराएंगे, कैसे खुदावन के हम पास्टर कराएंगे, ये बताओ आप मेरे खुदावन कैसे चुनोगे आप लोगों में। खुदावन ने सबको अधिकार नहीं दिया, परमेश्वर यौवन ने सबको अधिकार नहीं दिया,
चुना है खुदा बंदे, चुना है लोगों को, चुना है दास के रूप में, चुना याजक के रूप में, चुना पास्टर के रूप में, चुना रेवरेंट के रूप में, चुना महायाजक के रूप में, चुना हर तरीके से परिषद चुनता है और कॉल करता है, चाहे पुरुष हो या स्त्री हो, कॉल करता है खुदा बंद, सबको नहीं चुना है, सब भोट भोट को ध्वनि करते हैं, सबको भोट भोट की परमिशन नहीं है, नहीं चुना है, कभी लोगों को चुना कर अमन ने अपने पीड़ियों को चुना है, जिसको खुदा मन ने चुना है, उसको सुबह भोर में उठाता है दुआ करने के लिए, ताकि प्रसन्नता का समय होता है, उद्धार का समय होता है भोर का। अभी हमने भजन संहिता पाठ भी पढ़ा, मैंने आपको बताया समझाया मैंने, भैया चीज कॉलिंग अलग होती है, संसारी कॉलिंग अलग है, उससे बिल्कुल सुनी करने कोई बात नहीं है, क्योंकि संसार की कॉलिंग है, शैतान की कॉलिंग है, अनजाति की कॉलिंग है, उसको अनसुनी करते कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं है, परमेश्वर की कॉलिंग को गंभीरता से लेना, मेरा जीतो गंभीरता से लेना, अलग से मत लेना, गंभीरता से लेना उसकी कॉलिंग को, बड़ी गंभीरता से लेना, अद्भुत कॉलिंग होती है वो, जीवन को बदलने की, लोगों को बचाने की, वो कॉलिंग आपको मिलेगी। बहुत से लोग होंगे खुदावन की संगति में होंगे, इस समय बहुत सी जगह प्रार्थना हो रही होगी, बहुत से चर्चों में खुदावन की तैयारी हो रही होगी, बहुत सी जगहों में हम परमेश्वर के प्रचार हो रहा होगा, बहुत धन्यवाद है। अभी मेरठ में मेरा भाई ये प्रचार कर रहा है, रेवरेंड राजदीप हरिचंद मेरे मामू का बेटा है, वो प्रचार कर रहा है मेरठ में और कन्वेंशन प्रचार कर रहा है इस समय, उसने मुझे मैसेज सुबह भेजा कि भाई मेरा प्रचार है, मैंने उसको ब्लेसिंग दिया कि तुम्हें खुदा सफल करे और बहुत लोग आशीषित हो तुम्हारे वचन के द्वारा, तो खुदावन का नाम तुम बेचोगे, खुदावन तुमको आशीषित करेगा, तुम्हारे द्वारा सारी कलीसिया को उस पंडाल को आशीषित करेगा, मेरे शिशु मैं आपका धन्यवाद देता हूं। हम देखेंगे, अभी हमने शमूएल की कॉलिंग को देखा है, तीन कॉलिंग के बाद शमूएल खुदावन को जाने रखा, जब खुदावन वहां खड़ा हो गया, परमेश्वर वहां खड़ा हो गया और शमूएल को बचाने का चुनाव कर दिया है, तीन बार कॉलिंग करके चुनाव कर दिया, विश्वास को प्रेम को देखा शमूएल के पर, एलिय्याह को नहीं पता है खुदा कार्य कर रहा है, एलिय्याह को नहीं पता है तो वो याचक है, उसको नहीं पता है। आइए हम एक कॉलिंग और देखते हैं, हम देखेंगे शाऊल की कॉलिंग को देखेंगे, पर निकाले इसी में पहला समय में से 10 का निकालेंगे, शाऊल की कॉलिंग, शाऊल की कॉलिंग को हम देखेंगे। हमने तीन कॉलिंग को देखा, इब्राहिम और इसहाक की कॉलिंग, चुनाव कॉलिंग, शमूएल की कॉलिंग और वाचा बांधना, हन्ना का वाचा बांधना, एली के मुख को खुलाया परमेश्वर ने और वर्षा का उतर हो रहा मिल दिया और ब्लेस कर दिया, कोक को टच कर दिया खुदा मैंने उसी क्षण टच कर दिया हन्ना की, शमूएल की कॉलिंग। तीस चौथी कॉलिंग हम देखते जा रहे हैं, हम शमूएल की शाऊल की कॉलिंग देखते जा रहे हैं, जिसको परमेश्वर ने चुना, फिर परमेश्वर उसको अपनी दृष्टि से उतार दिया, क्योंकि वो अयोग्य गिना गया, शाऊल अयोग्य गिना गया, वचन पढ़िएगा, शाऊल अयोग गिना गया, किसी को गुरु घमंड से भर गया था, खुदावन की बातों को आदर नहीं दिया, शाऊल ने आदर नहीं दिया। ध्यान से देखेंगे, हम देखेंगे पद पहला सैंपल 10 का एक देखेंगे, उसके बाद देखेंगे पद एक का देखेंगे, उसका मैं देखूंगा 2 और 5, फिर 2 से 5 देखेंगे, उसके बाद ये आखिरी मेरा होगा, आखिरी मेरा ये होगा, क्योंकि समय भी हो रहा है, मेरे बाद कोई दूसरा योद्धा आएगा वो प्रचार करेगा। हम दूसरे योद्धा का भी आदर करते हैं, प्रभु के नाम से आदर करते हैं और ब्लेसिंग देते हैं कि आत्मा से भर के प्रचार करें, हर एक आशीष पाए। आइए हम देखेंगे, देखेंगे पद एक, 10 का पद एक देखेंगे, पहला शमूएल का देखेंगे क्या लिखा हुआ। तब शमूएल ने एक कुपित तेल लिखकर शमूएल के द्वारा, अभी शमूएल को कॉलिंग हुई, कभी ने कॉलिंग देखा, खुदावन ने बात करी, स्वयं बात करी, उस बेदी के पास जाके, उस परम पक्षी के पास, शत्रु के पास जाके खुदावन ने बात करी। अब हम देख रहे हैं और 10 में शमूएल खुद याचक बन गया है, नबी बन गया है, शमूएल को ब्लेस कर दिया खुदावन ने, पूर्ण रूप से ब्लेस कर दिया, अब इस स्टेप के लिए नबी बना दिया है, नबूवत करता है, अधिकार दे दिया है। अब हम देख रहे हैं और 10:1 में देख रहे हैं कि लिखा है वचन में, तब शमूएल ने एक कुपित तेल लेकर उसके सिर को नेला और उसे चूम कर कहा, इसका क्या इसका कारण, यानी कि यहोवा ने अपने निजभाग के लिए निजभाग के ऊपर प्रधान होने के तेरा अभिषेक किया है, शाऊल का अभिषेक किया है, तेल डाल के अभिषेक किया है, तेल डाल, गौर करिएगा, तेल डाल के अभिषेक किया है, दाऊद का भी अभिषेक किया था लेकिन सिंह में तेल था,
ध्यान दीजिएगा चीज को, दाऊद का अभिषेक क्या सिंह में तेल था, और शाऊल का अभिषेक क्या जो जिप्पी में तेल था उसको दिया, कटोरे में तेल था उसको देगा। फर्क है दाऊद के चुनाव में परिषद का, शाऊल के चुनाव जो हुआ वो अयोग्य था, वो अयोग्य कर दिया बाद में परिषद ने, क्योंकि परिषद उसको उसको पसंद नहीं करता था शाऊल को, पसंद लेकिन फिर भी अभिषेक था, शाऊल फिर भी अभिषेक था। देखिए तेल का डालना सिर्फ डाल के और यह पैगाम दिया कि तू परिषद राज का प्रधान होगा, परिषद का राज का प्रधान होगा अर्थात तू राजा होगा। इसराइल ने डिमांड करी थी, की थी कि नहीं की थी पता ही हमें, इसराइल ने डिमांड की थी राजा की। शमूएल गुस्सा हो रहा था, इसी शमूएल में इसी शमूएल के पुस्तक में देखेंगे तो शमूएल गुस्सा हो रहा था और परिषद से फरियाद कर रहा था ये कैसे लोग है, परिषद ने मुझे अयोग्य दिया, इसराइल ने मुझे अयोग्य दिया, राजा होने के लिए मुझे नहीं चुना, एक राजा की डिमांड कर रहा है। ओ ठीक है, शमूएल गुस्सा तो हुआ, इसराइल को गुस्सा हुआ, कहा परिषद का नहीं अगर राजा चुनता है तो राजा के कर्म बता दे कि उनके साथ कैसे व्यवहार करेगा, उनकी स्त्रियों के साथ लड़कियों के साथ उनके बेटे बेटों के साथ कैसे व्यवहार करेगा राजा बता दे, शमूएल बता दे। शमूएल ने बयान कर दिया है, शाऊल का अभिषेक होना है दूसरे किस्म से, दूसरी किस्म से वो भी किसने किया, शमूएल ने, शमूएल को पूरा अधिकार दे दिया खुदावंद ने, पूरा अधिकार दिया नबी होने का, भविष्यवक्ता होने का, याजक होने का पूरा अधिकार दे दिया शाऊल को, क्योंकि बचपन से वो खुदावंद की स्मृति में भावी, बचपन से खुदावंद की कॉलिंग में स्मृति में दृष्टि में, इसलिए वो अधिकार इसको पवित्र अधिकार पावर के साथ दिया, होली पावर के साथ दिया। और शाऊल के चुनाव के लिए भी खुदावंद ने शमूएल को कहा, शमूएल को कहा खुदावंद ने शाऊल के चुनाव के लिए, ध्यान दीजिएगा लिखा है तब शाऊल ने एक कुप्पी तेल लेकर, कुप्पी की मैं बात कर रहा हूं, कटोरा कुप्पी, शाऊल का चुनाव ऐसे हुआ है एक कुप्पी तेल लेकर, दाऊद का चुनाव हुआ है सींग में तेल डाल के, ध्यान दीजिएगा सिंह में तेल डाल के दाऊद को चुनाव हुआ है और शाऊल को चुनाव हुआ है एक कुप्पी तेल शमूएल ने उसके सिर पर डाला है, उसके सिर पर डाला और कहा यहोवा परिषद तुझे इस्राएल को प्रधान होने के लिए चुनता है, चुनता है। धन्यवाद हो कि हमारा भी मतलब आधा मेरा समय निकल गया है, मेरा आईडी थोड़ा सा खत्म हो गया था तो फोन थोड़ा सा ऑफ हो गया, हम क्षमा चाहते इसके लिए, क्षमा चाहते इसके लिए। शाऊल का हम दिखा रहे थे कि चुनाव शमूएल के द्वारा, शमूएल के द्वारा शाऊल को चुनाव, मैं देख रहा हूं चुनाव कैसे हो रहा है, तेल को ढेल दिया, इसराइल को राजा नियुक्त कर दिया है, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल खरा नहीं है, वैसे खरा नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में शाऊल खरा नहीं है, अयोग्य जा गया है, शाऊल खरा था, शाऊल की जगह क्या दाऊद का अभिषेक किया था परमेश्वर ने, दाऊद को चुनाव किया था और शमूएल को तब भी बेचा, दाऊद के चुनाव के लिए तब भी शमूएल को ही बेचा, सब तेल डाला वो भी कुप्पी के द्वारा, कुप्पी के द्वारा तेल डाल के शाऊल का चुनाव किया, कोई वरदान नहीं बल्कि दानासी खुरावन की है, क्योंकि अयोग्य ना इस शरीर में खुरावन परेश्वर का अयोग्य ना है, इस शरीर ने खुदा ने शाऊल को अयोग्य ना, खुदा परिषद ने शाऊल को अयोग्य ना, मेरा शिशु यही फर्क है मेरा शिशु चुनाव का, आप कैसा चुनाव चाहते हो, आप मूसा को चुनाव चाहते हो, आप इब्राहिम को चुनाव चाहते हो या आप इसहाक को चुनाव चाहते हो, आप शाऊल को चुनाव चाहते हो या शमूएल को चुनाव चाहते हो, चुनाव तो बहुत है, डैनियल का चुनाव है, यूसुफ का चुनाव है, बहुत चुनाव है, मेरे शिशुओं समय का ख्याल रखते हुए मैं खुदावर वचन को मैं बंद करता हूँ, प्रभुशु आप सबको आशीष दे इस वचन द्वारा, प्रभुशु आप सबको आशीष दे, पहले ध्यान पूर्वक अपने स्वरों को झुकाए और आदर के साथ हम दुआ करेंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे, आदर के साथ प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो भी विश्वासी हमारे साथ जुड़े हैं, जिन्हें को बंद हन्ना के समान, जो भी अयोग्य गिने गए हैं,
अभी नौकरी की जगह पे, अभी सब कई जगह पे जो भी अयोग्य निकाय हमारे साथ जुड़ जाइए विश्वास के साथ। विश्वास साल वो शरीफ ने कोख पे हाथ रखे, अपने कोख पे हाथ रखे यीशु नासरी इस कोख को खोलने जा रहा है, खोलने जा रहा है। जो अयोग्य निकाय है यीशु नासरी उनकी अयोग्यता को दूर के योग बना रहा है, योग बना रहा है। आप परमेश्वर की दृष्टि में योग हो, अयोग नहीं हो, योग हो। निराश मत हो, निराश मत हो। आपकी योग्यता को खुदावन बढ़ाएगा, बढ़ाकर आपकी योग्यता को अयोग्यता को कैंसिल करेगा, कैंसिल करेगा। जो रिसीव करो, रिसीव करो, यीशु नासरी के नाम से रिसीव करो। जिन स्त्री की कोख चलाने बंद कर दी है, बंद कर दी है, ऐसा ना चल निकाल, यीशु के नाम से रिलीज हो जाओ, रिलीज हो, वो कोख रिलीज हो जाए यीशु नासरी के नाम से। आपकी छाती में अपने बच्चों को दूध पिलाती हुई स्त्री मिले, स्त्रियां मिले, यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए को, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के पवित्र नाम में, ब्लेस हो जाए को। जीसस आज के वचन से आपने हम सबको आशीषित किया, आशीषित किया है। हमने संकेत मांगा, हमने दो प्रकार संकेत दीजिए। अगर आपको वचन अच्छा लग रहा है संकेत दीजिए। मेरे ख्याल से लोग सो रहे होंगे या उन्होंने गौर नहीं किया, वचन को सुना नहीं, मन कहीं और लगे, कोई संकेत नहीं किया किसी ने, कोई बात नहीं। परमेश्वर सबको आशीष देगा, मेरा कार्य प्रचार करना, मैं प्रचार करूंगा। आप परमेश्वर के प्रचार को आदर दो या ना दो मेरे आशीषों, लेकिन प्रभु आप प्रचार के द्वारा मैं करूंगा और आपके कानों में प्रचार के वचन जाएंगे, जरूर जाएंगे, मेरा विश्वास है। भाई डेविड को परिवार को ब्लेस करिए, उनकी पत्नी को, उनके पत्नी, उनके बच्चों को ब्लेस करिए ईश्वर जी, इनकी मिनिस्ट्री को, इनकी नौकरियों को ब्लेस करिए ईश्वर जी, भरपूरी ब्लेसिंग दीजिए इनके परिवार को, इनके साथ जितने लोग भी जुड़े हर एक को ब्लेस करिए, हर एक आशीषित करिए ईश्वर जी। आगरा शहर के आसपास के जो भी शहर है, मैं नहीं जानता, जो भी शहर है जितने भी खुदावर के दास दासी जुड़े हैं सबको ब्लेस करिए ईश्वर जी, ब्लेस करिए इसके वचन के द्वारा। हर एक परिवार में क्रिसमस की तैयारी दीजिए, क्रिसमस की तैयारी दीजिए, क्रिसमस का आगमन जरूरी है, जरूरी है, और वो जल्दी निकट आ रहा है। हर एक परिवार को आशीष दीजिए, कोई चिंता ना करें, सिर्फ विश्वास करें और प्रार्थना करें, प्रभु की ओर से आशीष मिलेगी, रुपयों की आशीष मिलेगी, तैयारी की आशीष मिलेगी। हम दुआ मांगते हैं सिस्टर सोना के लिए, ब्रदर किशोर के लिए, हम दुआ मांगते हैं सिस्टर आमा के लिए, हम दुआ मांगते अपने परिवार के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं, अपने भाई बहनों की दुआ मांगते हैं, उनके बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं। हम दुआ मांगते हैं उन लोगों के लिए जिनकी नौकरियां नहीं है, जो परेशान है, यीशु के नाम से हर एक की नौकरी लगे, जो प्रयास कर रहा है यीशु नासरी तरह सिखाओ, हर एक की नौकरी दो, हर एक बच्चों को, हर एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को नौकरी, जिनका नुकसान हुआ है, जिनकी तनख्वाही कम हो गई, सबकी तनख्वाही बराबर लिमिट पे आ जाए, सबकी नौकरियां लगे, हर एक की नौकरी का क्वालिटी आ जाए, सबको पहल कर ब्लेस कर यीशु नासरी, सबको हर एक परिवार को ब्लेस करिए, हर एक रेवरेंस को ब्लेस करिए, हर एक मिनिस्ट्री को ब्लेस करिए, जिन जिनका मैंने नाम लिया है आपके समूह शरासी, सबको परिवार को ब्लेस करिए, इनकी सबकोई को ब्लेस करिए। जीसस मैं दुआ मांगता हूं, शिवपिता रेवरेंड नवीन हैरिसन के लिए मैं दुआ मांगता हूं, उनके परिवार की दुआ मांगता हूं, मैं दुआ मांगता हूं रेवरेंड शिव लाल के लिए, उनके परिवार की दुआ मांगता हूं, मैं दुआ मांगता हूं रेवरेंड आशीष खंडेवाल के लिए दुआ मांगता हूं, विश्वास से दुआ मांगता हूं, मैं दुआ मांगता हूं रेवरेंड एग्नेस फिलिप के लिए, मैं दुआ मांगता हूं, मैं दुआ मांगता हूँ रेवरेंड डिकोस्टा के लिए दुआ मांगता हूँ, शिविता मैं दुआ मांगता हूँ डिकन अजय मसीह के लिए, इस सारे दासों के लिए, परवीन मसीह के लिए, सारे दासों के लिए मैं दुआ मांगता हूँ, शिवासी रेवरेंड मनीष रेड्डी के लिए दुआ मांगता हूँ, दुआ मांगता हूँ आप आगे बढ़ाओ और आशीषित करो मनीष रेड्डी को, आशीष बढ़ाओ, अपनी योजना को प्रकट करो अपने दास के लिए, अपनी योजना को प्रकट करो, सारी सफलता दुख को सबके पक्ष में रहो, शिवरात्रि हर एक रेवरेंड जिन जिनका मैंने नाम लिया है, जिन जिन मिनिस्ट्री का परिवार को नाम लिया, हर एक को ब्लेस करो शिवरात्रि, अपने लहू में ढाप लो और ब्लेस करो शिवरात्रि, आप हर एक को ब्लेस करो। जीसस जिन बच्चों की शादी की तैयारी हो रही परिवारों में, उस घरों को ब्लेस करिए, दोनों परिवार को ब्लेस करिए, कभी घटी ना शादी में, कभी घटी ना, हर परिवार को ब्लेस करिए। जिनके दिलों में शैतान ने गलत फहमियां पैदा कर दी है, उन भ्रम को तोड़ शिवासरी, उन शराब को तोड़ शैतान के तोड़, सबको मेल मिलाप करा, सबको मेल मिलाप करा शिवासरी, सबको तेरे हाथ में सौंप दे ईश्वर दासी के नाम से। हर एक को मैं बरकत की दुआ देता हूँ, अपने परिवार के एक सदस्य के बच्चों को बरकत की दुआ देते, हर एक को मैं बरकत की दुआ देता हूँ, परमेश्वर का दास होने के अधिकार से ब्लेस करता हूँ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से सबको ब्लेस करता हूँ, ईश्वर दासी के नाम से मैं धन्य ईश्वर पिता, आपने मेरी प्रार्थना को सुना, मुझे मौका दिया प्रचार करने का भाई अब्राहम डेविड के मिनिस्ट्री के साथ, धन्य ईश्वर दासी, सब आपको आदर दे, सारी महिमा आपके लोग करें। हाँ मेरे पिता, आने वाले महीने में सबको ब्लेसिंग दीजिए और आशीष दीजिए, विशेष रूप से दुआ मांगते हैं
मेरा उपयोग करिए, सिर्फ कहीं मेरा उपयोग करिए, मुझे वरदान सामर्थ्य भरिए, मेरी नौकरी के लिए बड़े द्वार से खुली नसी, सब बड़े द्वार से खुलिए, सारी ब्लेसिंग सारी आशीष इस नसी के नाम से दुआ मांगते हैं, सुनो कबूल करिए प्रार्थना को, आमीन आमीन और आमीन। हमारी दुआ एक साथ बोलेंगे हम, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी स्वर्ग में जमीन पर भी हो, हमें रोज रोटी में बख्श दे, जिस पर बड़ा कुसूरों को माफ करते, हमारे कुसूर को माफ कर, हमें बाश बटाल बल्कि बुराई से बचा, बादशाह उदो चढ़ाल हमेशा की जिंदगी दीजिए, आमीन आमीन और आमीन। कोई हमारा आप सबको आशीष दे, गॉड ब्लेस यू, आमीन। बुरा पायल को बंद कर दिया।